إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم मोहतरम सदर इजलास हज़रात उलमाए किराम मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान भाइयों प्यारे बच्चों प्रदानशीन माँ और बहनों आज इस इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है तारीख़ अहले हदीस और मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा मालेगांव के एक अजीम उशान शायर इकबाल नज़ीर के इस शेर से कर रहा हूं कि जमाना कितनी ही तबलीग तीरगी कर ले जमाना कितनी ही तबलीग तीरगी कर ले हम ही बताएंगे मफहूम रोशनी क्या है। तो आइए बिला किसी तमहीद के पहली रोशनी की तरफ आते हैं यानी कुरान हकीम की तरफ। यजीद इब्ने हारून कहते हैं قلت لحماد ابن زيد يا ابا اسماعيل هل ذكر الله عز وجل اصحاب الحديث في القران فقال بلى الم تسمع الى قوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم رواه الخطيب في شرف اصحاب الحديث واسناده صحيح। इस रिवायत की सनद सही है और इस रिवायत को इमाम खतीब बगदादी अपनी मशहूर किताब शरफ व असहाबिल हदीस के अंदर लाए हैं। यजीद इब्ने हारून कहते हैं कि मैंने हम्माद इब्ने जैद से सवाल किया कि ए अबू इस्माइल ये बताइए कि क्या अल्लाह ताला ने अहले हदीस का जिक्र कुरान में किया है। هل ذكر الله عز وجل اصحاب الحديث في القران क्या अल्लाह ताला ने कुरान में अहले हदीस का जिक्र किया है। فقال بلا तो हजरत हम्माद इब्न ज़ैद ने कहा क्यों नहीं। अलम تسمع الى قوله क्या तूने अल्लाह का ये कौल नहीं सुना। उसी में तो अल्लाह ने अहलुल हदीस का जिक्र किया है। वो कौल क्या है। लियतफक्कहू फिद्दीन एक गरोह ऐसा होना चाहिए जो दीन की फिक्र हासिल करे दीन की समझ हासिल करे
और लोगों को डराए, जब दीन की समझ हासिल करने के बाद उनकी तरफ लौटे। आपको सुनकर हैरत होगी कि यहां यह कहा गया कि दीन की फिक्र हासिल करें। एक हदीस पाक में हदीस को फिक्र कहा गया है। दलील दलील यह हदीस पाक, वान ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कौल समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल نظر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داود في كتاب العلم। حضرت امام ابي داود اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا कि अल्लाह उस आदमी को तरोताजा रखे जो मेरी एक हदीस को सुने, उसे याद करे और उसको लोगों तक पहुंचा दे, क्योंकि बहुत सारे फिक्र के हामिल उनसे ज्यादा फिक्र वाले मौजूद होते हैं। और ये बताया आखिर में कि हर फिक्र का हामिल फिक्र वाला फकीह नहीं होता। इस हदीस पाक के अंदर लफ्ज फिक्र हदीस के माने में है, लियतफक्कहु फिद्दीनी, वो दीन की समझ हासिल करें, यानी अहादीस रसूल के ऊपर कमांड हासिल करें और लोगों की तरफ जब लौटे तो उनके सामने जब मसाइले हयात पेश किए जाएं तो कुरान और अहादीस नबविया की रोशनी में उन पेश आमदा मसाइले हयात का हल पेश करें। हम्माद इब्ने जैद के इस कौल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अहलुल हदीस का जिक्र फरमाया है। हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर, जिनकी तफसीर मुतदाविल है और हर खास व आम उनकी तफसीर इब्ने कसीर से वाकिफ है, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने सूरे बनी इसराइल जो 15वें पारे में है उसकी इस आयत, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बे इमामहिम, जिस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि दोजख में भी लोग जाएंगे तो गरोह दर गरोह जाएंगे और हर गरोह का एक इमाम होगा। इसी तरीके से जन्नत में भी जाएंगे तो गरोह दर गरोह जाएंगे और इस गरोह का भी एक इमाम होगा। अब हर गरोह का एक इमाम होगा, जैसा कि ये आयते करीमा बता रही है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बे इमामहिम, उस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इस आयते करीमा की शरह में हाफिज इमादुद्दीन कसीर रहमहुल्ला लिखते हैं, फकाल बादु सलफी हादा अकबर शरफ लिय असहाबिल हदीस लअन इमामहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि बाद सलफ ने इस आयत करीमा की रोशनी में यह बताया है, यह फरमाया है कि इस आयत करीमा में अहले हदीसों के लिए बहुत बड़े मकाम की तरफ इशारा किया गया है कि उनके लिए बहुत बड़ा शरफ है, इसलिए कि उनके इमाम उस दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। गोया इस दूसरी आयत से भी पता यह चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने अहलुल हदीस का जिक्र कुरान हकीम में भी किया है। यह पहली रोशनी थी। अब हम दूसरी रोशनी यानी अहादीस नबविया की तरफ पलटते हैं। सिलसिले में पहली हदीस इस तरह, वान इमरान अब्न हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث وقال هذا حديث صحيح موقوفا گویا کہ یہ حدیث موقوف ہے مگر صحیح ہے اور اس روایت کے راوی حضرت عمران ابن حسین ہیں حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر جمع رہے گا اور حق کے خلاف جو بھی باطل فرقہ سر اٹھائے گا اس کی سرکوبی کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے یعنی قیامت تک کہیں بھی حق مجروح ہو رہا ہو تو حق کی مدد کے لیے حق کے دفاع کے لیے یہ طائفہ یہ گروہ برابر موجود رہے گا میری امت کا یہ گروہ اس کی تشریح کرتے ہوئے قال یزید ابن ہارون یزید ابن ہارون طائفتم من امتی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الم یکونو اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم اگر اس طائفہ سے اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو فلا ادری من ہم تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اہل الحدیث کی وضاحت فرما دی ہے ان کی علامتیں بتلا دی ہیں ان کا وظیفہ بتا دیا ہے ان کا کام بتا دیا ہے یہ پہلی حدیث تھی جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے دوسری حدیث وان سعید ابن یعقوب الطائی او غیرہ قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یزرہم من ناواہم حتی تقوم الساعة قال ابن المبارک ہم عندی اصحاب الحدیث رواہ الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وقال ہذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے حضرت سعید ابن یعقوب طائی کہتے ہیں کہ ابن المبارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر کی ذکر ابن المبارک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابن المبارک نے ذکر کی کون سی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق کہ میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق کی مدد کرتا رہے گا اور لا یزرہم من ناواہم ناوا یناوی مناوات کا مطلب مخالفت کرنا مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ قیامت آ جائے قیامت تک لوگ ان کی مخالفت کرتے رہیں گے اور مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابن المبارک کہتے ہیں قال ابن المبارک کہتے ہیں ہم اندی اصحاب الحدیث میرے نزدیک یہ طائفتم من امتی میری امت کا ایک گروہ یہ کون ہے میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہیں گویا کہ اس دوسری حدیث کے اندر بھی اشارہ ملا اصحاب الحدیث کا اہل الحدیث کا تیسری حدیث اس طرح وان معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفة من امت منصورین لا یزرہم من خذلہم حتی تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ کتاب الفتن کے اندر ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو اسی طریقے سے لائے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت معاویہ ابن قرہ ہیں حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام کے لوگوں کے اندر فساد آ جائے تو تمہارے لیے کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے تمہارے لیے خیر نہیں اور میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا منصورین برابر رہے گا اور منصور رہے گا منصور کا مطلب اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی اور لا یزرہم من خذلہم
उनको रुसवा करने वाले कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। हत्ता तकुमस्सा, ये जंग कयामत तक जारी रहेगी और मुखालिफीन इनको रुसवा करने की कोशिश करेंगे, इनको बुरा भला कहेंगे, इनको तकलीफ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा यहां तक कि कयामत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक इस तौइफा की हिफाजत करेगा। यह है इस फिरके और इस ताइफा का मकाम। अब ये ताइफतुम मिन उम्मती, हजरते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताज इमाम अली इब्ने मदीनी का हवाला देते हुए कहते हैं, काला मोहम्मद इब्ने इस्माइला, हजरते इमाम बुखारी ये फरमाते हैं कि मेरे उस्ताज अली इब्ने मदीनी ने ये फरमाया कि ताइफतुम मिन उम्मती से मुराद असहाबुल हदीस हैं, हम असहाबुल हदीस। लोग तिर्मिजी पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्या उनके सामने से यह रिवायत नहीं गुजरती? यह रिवायत तो किताबुल फितन में मौजूद है कि काला मोहम्मद इब्ने इस्माइला, गोया कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही ख्याल है कि ताइफतुम मिन उम्मती से मुराद असहाबुल हदीस हैं, और वो अपने उस्ताद का हवाला देते हैं अली इब्ने मदीनी का, गोया कि उनके उस्ताद का भी वही ख्याल है कि ताइफतुम मिन उम्मती से मुराद अहलुल हदीस हैं। قال محمد بن اسماعيل قال علي بن المديني هم اصحاب الحديث। ये कहा है रिवायत? ये तिर्मिजी किताबुल फितन के अंदर है। आइए अब ये जान लें कि इस फिरके की, इस ताइफा की, इस जमात की, इस गरोह की पहचान क्या है। चलिए पहचान के लिए एक हदीसे पाक। जैसे कोई बच्चा गुम हो जाए तो किसी को मिलता है तो ऐलान करवाता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, काली शर्ट पहने हुए है, काली पैंट पहने हुए है, गोरा रंग है, और ये बोल नहीं पा रहा है, अपना पता नहीं बता पा रहा है, जिनका ये बच्चा हो बराह करम फला मकाम से इस बच्चे को हासिल कर लें। अलामतें देख करके लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को पहचान करके अपने घर ले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गरोह की जो पहचान बताई है, आइए उन अहादीस को देखें जिनके अंदर ताइफतुम मिन उम्मती की अलामतें, साइंस जो बतलाई गई है वो देख लें, क्या ये अलामतें इस गरोह के ऊपर, जमात के ऊपर फिट होती है कि नहीं। पहली हदीस इस तरह, वन अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लयातियन्ना अला उम्मती मा ताला बनी इसराइल हज़्वन्ना लिबिन्नाल हत्ता इन काना मिनहुम मन अता उम्मुहु अला नियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक वइन्न बनी इसराइल तफर्रकत अला सिन्तैन व सबईन मिल्लतन व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह قال ما انا علی واصحابی رواه الترمذی فی کتاب الایمان حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کا دلائل ہے اور جیسا کہ معلوم ہوا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے اسی طریقے سے جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے میری امت ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سارے فرقے جہنمی ہوں گے کلہم فی النار الا ملت واحدہ ایک فرقہ ناجیہ ہوگا صحابہ کرام نے पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल 73 फिरकों में बट जाने वाली आपकी ये उम्मत जिनमें 72 लोग जहन्नमी होंगे वो फिरका बताइए जो जन्नती होगा, वो फिरका जो फिरका नाजिया है जिसके बारे में आप फरमा रहे कि वही जन्नत के अंदर जाएगा उसकी अलामत बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बताते हुए, साइन बताते हुए यह फरमाया, मा अना अलैहि वसहाबी, जिस पर मैं हूं, जाहिर है कि जिस पर मैं हूं उसी के ऊपर मेरे सहाबा हैं। अब सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर थे? मा अना अलैह, जिसके ऊपर मैं हूं उसी के ऊपर सहाबा, तो जिसके ऊपर मैं हूं। अब हम कुरान हकीम से पूछते हैं कि कुरान हकीम तू बता कि जिसके ऊपर तू उतरा, अल्लाह ने तुझे जिसके ऊपर उतारा वो किस पर था? माना अलैह, किस पर था? रसूल तो ये बोल रहा है जिस पर मैं हूं उस तरीके पर कयामत तक जो लोग चलेंगे, जो गरोह चलेगा वही जन्नती होगा। तो मा अना अलैह, जिस पर मैं हूं, कुरान हकीम तू बता कि तू जिसके ऊपर उतरा वो किस पर था? सूरह अहकाफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब इरशाद फरमाया, कुल मा कुंतु बिदअम मिनर रुसुलि व मा अदरी मा युफालु बि वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैय व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। आप फरमा दीजिए हमारे हबीब कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं, जिस तरह पहले रसूल थे उसी तरीके का मैं भी एक रसूल हूं, कोई अनोखा रसूल नहीं हूं। पहले के लोग अगर, पहले के रसूल अगर गैब का इल्म नहीं रखते थे, मैं भी गैब का इल्म नहीं रखता।
पहले के रसूल अगर इंसान थे, मैं भी इंसान हूं, कोई अनोखा रसूल नहीं हूं, और मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या किया जाने वाला है और तुम्हारे साथ क्या किया जाने वाला है। वमा अदरी मा युफालु बी वला बिकुम, मुझे ये मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या किया जाने वाला है और तुम्हारे साथ क्या किया जाने वाला है। इल्मे गैब की नफी कर दी गई। अच्छा, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं तो सिर्फ उसी चीज की इत्तेबा करता हूं जो मेरे ऊपर वही की जाती है। साबित यह हुआ कि नबी वही इलाही के ऊपर था। सवाल यह है कि नबी के ऊपर क्या उतरती थी, क्या वही होती थी, वो हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वानिल मिक्दाम इब्न मादी करीबा अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कॉल अला इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहू माहु अला यूशिकु रजुलुन शबानु अला अरिकति यकूल अलैकुम बिहादल कुरआन फमा वजदतुम फीही मिन हलालिन फाहिल्लु वमा वजदतुम फीही मिन हरामिन फहरिमु अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहली वला कुल्लु ज़िनाबिन मिन अस-सबर वला नुक्ततुम वाहिदिन इल्ला अन यस्तग़नी अन्हा साहिबुहा वमन नज़र बिक़ौमिन फअलैहि मन यक़रू फइन लम यक़रू फअलैहि अन युक़िबहुम बिमिथलि क़िराहु रवाहु अबू दाऊद फी किताबिस सुन्नह। हज़रत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह अबू दाऊद शरीफ किताब सुन्ना के अंदर इस पूरी रिवायत को, जिसके रावी हजरत मिक्दाम इब्न मादी करीबा से लाए, मैंने पूरी रिवायत रिफर कर दी है जैसा कि मेरी आदत है। हजरत मिक्दाम इब्न मादी करीब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो अला बिहोल्ड, हे गौर से देखो सुनो, क्या इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहू माहू, बेशक मुझे किताब यानी कुरान दिया गया है, वह मिसलहू और उसी के मिसल, उसी के साथ एक और चीज दी गई है। पता यह चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कुरान नहीं दिया गया, सिर्फ किताब नहीं दी गई, बल्कि उसी के मिसल, उसी के साथ एक चीज दी गई, उसी का मिसल है। पता यह चला कि अगरचे कुरान हकीम फजीलत में और तिलावत में हदीस से मुकदम है, मगर इस्तिंबात में और एहतजाज में सही हदीस कुरान हकीम के बराबर है, सही हदीस कुरान हकीम के मिसल है। अला इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहू माहू, गोया कि सही हदीस का इनकार गोया कि कुरान हकीम का इनकार है। अला इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहू माहू, सही हदीस अगर आ जाए तो वो इस्तिंबात और इस्तिशाद और एहतजाज में बराबर है कुरान हकीम के, इसलिए कि इस हदीस पाक में हदीस रसूल को कुरान का मिसल कहा गया, और सिर्फ कुरान नहीं उतरता था, उसके साथ साथ कुरान की शरह उतरती थी। गोया कि मतन कभी अपनी शरह से जुदा नहीं होता। दलील यह हदीस पाक, अभी उसी हदीस पर रुके रहिए, दलील के लिए ये दूसरी हदीस देख लेते हैं, उसके बाद इस हदीस पर आते हैं। हदीस इस तरह, वहां अभी हुरे रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कद तरक्तु फीकुम शैअन लन तज़िल्लु बादहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक फी किताबिल इल्म। हजरत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह अपनी हदीस की किताब मुस्तदरक अल सहीहैन में किताबुल इल्म के अंदर ये रिवायत इन्हीं लफ्जों में लाए, मैंने पूरी रिवायत रिफर कर दी है। हजरत अबू हुरैरा इस रिवायत के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ दी हैं, इन दोनों के बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी सुन्नत। इससे इस्तिदलाल नहीं करना है, आखिरी टुकड़े से वलन यतफर्रका, फर्क किसको बोलते हैं, मांग को। अब देखिए ये बाल मिले हुए हैं, ये बाल मिले हुए हैं बराबर, अब क्या है बीच से इसको मांग निकाल देते हैं, इसे कुछ बाल इधर हो गए कुछ बाल इधर हो गए, ये होगा फर्क। मांग को कहते हैं फर्क, फर्क यानी मिली हुई चीज के दरमियान एक खत, खत फासिल खींच देने को फर्क कहते हैं। वलन यतफर्रका, दोनों के अंदर फर्क हो ही नहीं सकता, दोनों जुदा ही नहीं हो सकते, खत फासिल खींचा ही नहीं जा सकता, यहां तक कि दोनों मेरे पास हौस के ऊपर आ जाएं। वलन यतफर्रका, फर्क हो ही नहीं सकता, दोनों मिले हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है, दूसरे एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे किताब दी गई और उसी के साथ एक और चीज दी गई, सुन्नत और हदीस, और आपने फरमाया खबरदार एक जमाना ऐसा आएगा कि एक पेट भरा आदमी अपनी छपरखट के ऊपर तकिया लगाए हुए, गांव तकिए के ऊपर टेक लगाए हुए बोलेगा कि हदीस की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कुरान काफी है, अलैकुम बिहादल कुरान, ये कुरान काफी है, फमा वजदतुम फीही मिन हलालिन फाहिल्लू, इसके अंदर जो हलाल पाओ उसे हलाल समझो, उमा वजदतुम फीही मिन हरामिन फहरिमू, इसके अंदर जो हराम पाओ उसे हराम समझ लो, बस
तुम्हें अहादीस नबविया की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिशहाद करते हुए फरमाया, अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहली, पालतू गधे का गोश्त तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। ये इस्तिशहाद है कि कुरान हकीम अज़वल ता आखिर पढ़ जाओ, वहां गधे की हुर्मत महसूस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि गधे की हिल्लत और हुर्मत को समझने के लिए अहदीस नबविया की तरफ पलटना जरूरी है। ये इस्तिशहाद है नबी का, अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहली वला कुल्लु ज़िनाबी मिन सबो, और हर वो जानवर जिसके दांत पॉइंटेड हूं और जिसको हम कुचलियों वाले दांत कहते हैं। अब कोई ये सवाल करे कि हदीस से साबित कीजिए कि चूहा खाना हलाल है या हराम, हराम है इसलिए कि उसके दांत कुचलियों वाले होते हैं। बिल्ली खाना हलाल या हराम, हराम है इसलिए कि दांत कुचलियों वाले। कुत्ता खाना हलाल या हराम, हराम इसलिए कि दांत कुचलियों वाले। शेर खाना हलाल या हराम, हराम इसलिए कि दांत कुचलियों के। इस्तिदलाल करते चले जाइए। एक कुल्ली मसला बता दिया गया, जुज़ियात का इस्तिंबात करते चले जाइए और इसी का नाम इस्तिखराज है। दैट इज कॉल्ड डिडक्शन, यानी कुल्लियत से जुजियात का इस्तिखराज करना। अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहली वला कुल्लु ज़िनाबी मिन सबो। इस्तिदलाल इस हदीस पाक से इतना ही करना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ किताब नहीं दी गई, कुरान नहीं दिया गया, बल्कि उसके साथ हदीस दी गई। अब देखिए, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, दो चीजें दी गई, कुरान और हदीस, और मैं वही की इत्तबा करता हूं जो मेरे ऊपर वही होती है। इसका मतलब कुरान बजरिए वही, हदीस बजरिए वही। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं किस पर हूं, मैं वही पर हूं। बालफाज दीगर, मैं कुरान और हदीस के ऊपर हूं, इसलिए कि दोनों की दोनों मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं तो एक खुला हुआ डराने वाला हूं। अल्लाह साबित हुआ, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मा अना अलै, यानी मैं कुरान और हदीस का मुत्तबे हूं, इसलिए कि दोनों मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, दोनों वही हैं। इल्ला मा युहा इलैया, अब बताइए मा अना अलैहि व असहाबी के अंदर अलामत बता दी गई कि अहलुल हदीस की पहचान क्या है, जिस पर मैं हूं, नबी किस पर, कुरान और हदीस पर। लिहाजा अहलुल हदीस कुरान और हदीस ही को तो फॉलो करते हैं। एक अलामत मिली, एक साइन मिली जो फिट होती है सिर्फ इसी फिरके के ऊपर, ला तज़ालु तौइफतु मिन उम्मती, अहले हदीस के ऊपर फिट होती है। चलिए दूसरी हदीस की तरफ पलटते हैं, बड़ी अजीब गरीब हदीस है और बड़ा प्यारा इस्तिदलाल है, सांस रोक करके सुनो। हदीस इस तरह, वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नता, अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم رواه البخاري في كتاب بدء الخلق। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताब बदल खल्क के अंदर लाए, रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने। बहुत गौर से सुनिए इस हदीस पाक से इस्तिदलाल देखिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला गरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत, मैंने बताया कि लोग गरोह दर गरोह जन्नत के अंदर जाएंगे। हटाओ उसको, लड़के को हटाओ यहां से। अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत, पहला गरोह जो जन्नत में दाखिल होगा। इसका मतलब लोग गरोह दर गरोह जन्नत में दाखिल होंगे और उनका एक इमाम होगा। तो अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत, पहला गरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, कैफियत क्या होगी बताया गया, अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री, उनका चेहरा ऐसे होगा जैसे चौदहवीं रात का चांद। अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री, इतने खूबसूरत होंगे जैसे चौदहवीं रात का चांद होगा। अच्छा, उसके बाद वल्लवीना अला आसारिहिम, उनके आसार के ऊपर यानी उनके बाद जो जाएंगे वो कैसे होंगे, का आहसानी कौ कबिन दुर्री इन फिस समाई वातन, आसमान में सबसे रोशन हसीन सितारों की तरह होंगे। वल्लदीन अला आतारहिम का आहसानी कौ कबिन दुर्री इन फिस समाई वातन, आसमान में सबसे रोशन हसीन सितारों की तरह उनके चेहरे होंगे। ये जो उनके पीछे जाने वाले हैं, ये पहला गरोह चला गया, उसके बाद इनके बाद वाले गरोह जा रहे हैं, ये कैसे होंगे,
का अहसनी कौकबिन दुर्रीयिन फिस समाई वातन। अच्छा, कुलूबहुम अला कल्ब रजुलिन वाहिदिन, इन सबके दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे, एक आदमी के दिल की तरह। अब बताया गया कि हर एक आदमी को दो बीवियां मिलेंगी हूरे इन में से, दो, और कैसी होंगी? इतनी हसीन, अल्लाह, युरा मुखसूकहिन्ना मिन वराई लाज़मी वल्लहमी, उनकी पिंडलियों का जो गूदा होगा हड्डी के और गोश्त पीछे से दिखाई देगा, इतनी हसीन होंगी। अल्लाह, युरा मुखसूकहिन्ना मिन वराई लाज़मी वल्लहमी, इतनी हसीन होंगी। लोग मामूली सूरत की लड़कियों के लिए अपने आप को हलाक कर लेते हैं, जान खतरे में डाल देते हैं। अरे जान खतरे में डालो तो ऐसी औरतों के लिए डालो। यरा मुखसूकहिन्ना मिन वराइल अज़्मी वल्लहमी, जिनकी पिडलियों का गूदा, मुखसूकहिन्ना कहते मिन वराइल अज़्मी वल्लहम, हड्डी और गोश्त के पीछे से दिखाई दे, इतनी हसीन होंगे। इस्तिदलाल यह करना है कि पहला गरोह जो जन्नत के अंदर जाएगा उनके दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे, इसी से इस्तिदलाल करना है मुझे। अब बताइए, जितने अहलुल हदीस हैं सबका दिल एक ही आदमी के दिल की तरह है कि नहीं? किताब और सुन्नत की जरा चौथा हम कुछ नहीं जानते। अला कल्ब रजुलिन वाहिदिन, इसके अलावा आप जितने भी फिरके हैं आप देख लीजिए। पहला फिरका आया करामिया, उसने क्या कहा कि ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का, कल्ब से तस्दीक कर दो, दिल से तस्दीक कर लो, बस काफी है। न इकरार बिल लिसान की जरूरत है, न अमल बिल अरकान की जरूरत है, सिर्फ ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का। उसके बाद मुर्जिया आए, उन्होंने कहा कि ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का और इकरार बिल लिसान का, अमल की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुर्जिया के बाद आते हैं खवारिज, खवारिज कहते हैं कि ईमान नाम है दिल से तस्दीक का, जबान से इकरार का, अमल बिल अरकान का, मगर अगर कोई आदमी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो तो ईमान से निकल करके कुफर में पहुंच जाता है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर हो जाता है। ये देखिए डिसबैलेंसिंग हो गई। उसके बाद आए मुतजिला, इन्होंने कहा ईमान नाम है दिल से तस्दीक का, जबान से इकरार का, आजा से अमल का, मगर गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब ईमान से तो निकल जाता है, इस्लाम से निकल जाता है, मगर कुफर में दाखिल नहीं होता। यह मंजिलतुन बैना मंजिलतैन रहता है, बीच में हैंग रहता है, लटका हुआ रहता है, ये न इस्लाम में रहता है न कुफर में रहता है। उसके बाद अहलुल हदीस का यह अकीदा बताया गया कि ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का, इकरारुम बिल लिसान का, और अमल बिल अरकान का, तीनों के मजमुए का नाम, और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर नहीं होता, बल्कि तौबा करे तो गुनाह कितना भी कर ले तौबा के बाद गुनाह माफ हो जाते हैं और वो जन्नती हो जाता है। अब देखिए, और अजीब बात तो ये है कि जितने भी अहलुल हदीस हैं सब इसी बात के कायल हैं। दलील, इमामुल मुहद्दिसीन रईसुल फुकहाए वल मुहद्दिसीन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कतबतु अन अल्फिं व समानीन नफ्सन लैस मिनहुम इल्ला साहिबु हदीसिन वलम अक्तुब इल्ला मन काला अल ईमानु कौलुन व अमलुन। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 1080 असातिजा से हदीसें ली हैं, कतबतु अन अल्फिं व समानीन नफ्सन, मैंने हदीस ली है 1080 असातिजा से। अच्छा, लैस मिनहुम इल्ला साहिबु हदीसिन, उसमें कोई ऐसा नहीं था जो मुहद्दिस ना हो,
और अहलुल हदीस ना हो। लैसा मिनहुम इल्ला साहिबु हदीसिन, उनमें कोई ऐसा नहीं था जो साहिबुल हदीस ना हो। वलम अक्तुब, मैंने किसी ऐसे मुहद्दिस से हदीस नहीं ली है। इल्ला मन काला, मगर वो इस बात का एतकाद रखता था कि ईमान नाम है कौल और अमल दोनों का। इसका मतलब यह हुआ कि मुहद्दिसीन की पूरी जमात ये इस बात की कायल है कि ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का, इकरारुम बिल लिसान का, और अमल बिल अरकान, तीनों के मजमूए का नाम ईमान है। इसका मतलब मुहद्दिसीन के दिल एक जैसे हैं, इसलिए कि उनका अकीदा एक जैसा है। अब आप देखेंगे कि इनके अलावा सारे के सारे लोगों के दिल अलग अलग हैं। इमाम अबू हनीफा फरमा रहे कि नमाज के अंदर 7 फर्ज हैं, साहिबैन ये कह रहे कि 6 हैं। चलिए, नमाज ही के अंदर फैसला नहीं हो पा रहा है। साबित यह हुआ कि इस हदीस पाक से कुलूबुहुम अला कल्ब रजुल वाहिद से मुराद अहलुल हदीस है, या चलो मुहद्दिसीन है। अभी मैं साबित करूंगा कि क्या अहलुल हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन ही है। चलिए, एक इलामत मिली हमको, एक साइन मिला, कुलूबुहुम अला कल्ब रजुल वाहिद, इस ताइफा के दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ये रिमार्क, ये तफसरा कितना अजीबोगरीब है कि कतबतु अन अल्फिम व समानी नफ्सन लैस मिनहुम इल्ला साहिबु हदीसिन वलम अक्तुब इल्ला मन काला अल ईमानु कौलुन व अमलुन। सारे मुहद्दिसीन के दिल एक आदमी के दिल की तरह, सबकी फिक्र एक आदमी की फिक्र जैसी। एक साइन यहां मिला। अब आगे बढ़ते हैं। यह हदीसे पाक जिसे मैं अब बयान करने वाला हूं, जिसके अंदर साफ साफ वो साइंस और अलामतें बता दी गई हैं जो पूरी अहलुल हदीस पर फिट होती हैं। हदीस इस तरह, वान सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़ मंसूरीन ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याति अम्रुल्लाहि अज़्ज़ा वजल। रवाहु इब्न माजा फी किताबिल मुक़द्दमा फी बाबे इत्तिबाए सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह किताबुल मुक़द्दमा के अंदर बाबो इत्तिबाए सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर यह हदीस लाए। रावी जैसा कि मालूम हुआ हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत सौबान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तजालु, गिनते जाओ, बराबर रहेगी, यानी दुनिया कभी उनसे खाली नहीं होगी। जी, दुनिया उनसे कभी भी खाली नहीं होगी, यह ला तजालो का मफाद है। अब आप देखेंगे कि बराबर रहेगी, नबी के दौर में भी रहेगी, सहाबे किराम के दौर में रहेगी, दुनिया कभी उनसे खाली नहीं होगी, वो जमात रहेगी। क्या इमामों के नाम पर फिरके बनाने वाले ये दावा कर सकते हैं कि इस हदीस से मुराद वो लोग हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं 80 के अंदर, इंतकाल होता है 150 के अंदर। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं 150 के अंदर और इंतकाल होता है 204 के अंदर। हजरत इमाम मालिक पैदा होते हैं 90 के अंदर, इंतकाल होता है 189 के अंदर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल पैदा होते हैं 164 में और इंतकाल होता है 241 के अंदर। अब बताइए, 80 से पहले कोई इमाम है ही नहीं। इन इमामों के नाम पर जो फिरके बने हैं, क्या ये फिरके दावा कर सकते हैं कि ला तजालो के अंदर दाखिल है? ला तजालो बराबर रहेगी। अब ला तजालो से बराबर रहेगी, यानी इमाम अबू हनीफा से पहले भी ये जमात रहेगी, 80 से पहले भी है। जाहिर है कि फिरके बाद में बने, ये फिरके तो इस हदीस में आ ही नहीं सकते, इस हदीस के दायरे में दाखिल ही नहीं हो सकते, खारिज है सब। ला तजालो बराबर रहेगी। अच्छा, ताइफतुन, एक ही गिरोह होगा वो, ये कहते 4 और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे एक ही गिरोह होगा। ये 2 अलामतें हुई, ला तजाल ताइफतुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत के। अच्छा, अलल हक, ये तीसरी अलामत बताई गई। अब आइए हम देख लें कि हक के ऊपर होंगे, हक से क्या मुराद है। अल्लाह, गौर से सुनिए, हक किसको कहा है कुरान हकीम में और हदीस पाक में अल्लाह ने और उसके रसूल ने? आयत करीमा देखिए, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم। वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया और ईमान लाए उस चीज पर जो
نازل ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیمان الزنا علی محمد وہو الحق من ربهم قرآن حکیم یہ لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے. اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ یہاں حق سے مراد قرآن حکیم ہے. آگیا قرآن. اب حدیث کیا ہے وہ بھی حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باصبعه الى فيه فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو لکھ لیتا تھا. كنت اكتب كل شيء اسمعه جو نبی سے سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا. کیوں؟ کتابت ثابت ہوئی. جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا حدیث بھی لکھی جاتی تھی. اور اريد حفظا تاکہ لکھ کر کے میں یاد کروں. جیسے قرآن یاد کیا جاتا تھا حدیث بھی لکھ کر کے صحابہ یاد کرتے تھے. اريد حفظا میں اس کو بائی ہارٹ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا. تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تو جو کچھ سنتا ہے نبی سے لکھ لیتا ہے. اتکتب کل شیء تسمعه سب لکھ لیتا ہے. انہوں نے کہا ہاں لکھ لیتا ہوں. کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. یتکلم فی الغضب والرضا کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں. تو غصے میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے غصے میں آپ بولیں تو غصے کی حالت میں بھی جو آپ بولیں اسے بھی لکھ لیتا ہے. خوشی کی حالت میں بولیں تب بھی لکھ لیتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ فام سکتو انیل کتاب. کہتا ہے کہ میں کتابت سے رک گیا حدیث لکھنا بند کر دیا. لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ سے جو کچھ میں سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا لیکن قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ بشر ہیں آپ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کچھ غلط بول جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی انگشت مبارک سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا فاؤما بِاصْبِعِهِ إِلَى فِيهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا فقال اکتب اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص لکھتا جا والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما یخرج منہ الا حق اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے سب حق ہی نکلتا ہے چاہے غصے میں بولوں چاہے خوشی میں بولوں. گویا کہ آپ خوشی میں بولے تب بھی حق ہی اس زبان سے نکلتا ہے غصے میں بولے تب بھی حق ہی نکلتا ہے. پتہ یہ چلا کہ زبان نبوی سے جو چیز نکلتی ہے وہ حق. قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے قرآن کا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے حدیث پاک کا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے. پتہ یہ چلا علی الحق حق کے اوپر ہوں گے یعنی قرآن و حدیث. قرآن و حدیث مراد ہے حق سے قرآن سے ثابت ہوا حدیث سے ثابت ہوا. اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرو مضبوطی سے پکڑو. تو کتنی علامتیں ہوئی گنو. لا تزالو برابر رہیں گے ایک طائفتن ایک ہی گروہ ہوگا اور علی الحق حق کے اوپر ہوگا یعنی قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا. منصورین منصور ہوگا. منصور کا مطلب غالب ہوگا. غالب ہوگا اور غلبہ ہر طریقے کا خاص طور سے دلائل کا غلبہ. دلائل کا غلبہ اور غلبہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو پریشانی سے تکلیف سے نجات دے دے بے. مثلاً غور سے سنیے ایک مسئلہ آیا سعودی عرب کے علماء کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی حجاج یہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے کے لیے رمی جمار کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگ گر پڑتے ہیں مر جاتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے تو ایسا کیا جائے کہ چند فلورز بنا دیے جائیں فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور کچھ نیچے سے رمیے جمار کریں کچھ فرسٹ فلور سے کچھ سیکنڈ فلور سے کچھ تھرڈ فلور سے کچھ اور فورتھ فلور وغیرہ سے تو کیا یہ فلور بنانا جائز ہے رمیے جمار کے لیے؟ میں نام ہے سعودی علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے. مسلمان مشکل میں ہیں سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جائز نہیں ہے
अल्लाह रहम फरमाए अल्लामा इब्ने बास के ऊपर उन्होंने कहा जायज है। तमाम उलमाए सऊदिया परेशान हैरान, उन्होंने दलील मांगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने बास ने, इब्ने बास रहमतुल्लाह ने दलील दी। वो दलील जो उनके सामने थी मैं पेश कर देता हूं उनकी तरफ से। अन इब्न जुरैज कौल अखबरनी अबू जुबैरी अन्नहु समिया जाबिरन यकूल रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरमी अला राहिलती यौम النهر ويقول لتاخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه। रवाह मुस्लिम फी किताब الحج। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब الحج के अंदर लाए। रावी हजरत जाबिर है। हजरत इब्न जुरैज फरमाते हैं कि उन्होंने हजरत जाबिर को यह फरमाते सुना कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज के दौरान, आपने जिंदगी में सिर्फ एक हज किया है, नबी ने कितने हज किए? एक हज, फर्स्ट एंड लास्ट। और उम्रे कितने किए? चार। जिंदगी में आपने चार उम्रे किए हैं और एक ही हज किया है। यह हज जो आप कर रहे हैं और जिस हज का हवाला हजरत जाबिर दे रहे हैं, यह फर्स्ट एंड लास्ट है, यही पहला भी है आखिर भी है। हजरत जाबिर फरमा रहे रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरमी अला राहिलती यौम النهر, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज के दौरान देखा कि आप रमिये जिमार कर रहे हैं, शैतान को कंकरी मार रहे हैं, इस हाल में कि आप अपनी ऊंटनी के ऊपर सवार हैं। इस्तिदलाल, ऊंटनी के ऊपर सवार हैं। रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरमी अला राहिलती, तो कोई आदमी अगर नीचे से रमिया जमार करे जायज है, सवारी के ऊपर से करे जायज है। अब ऊपर है, आप फ्लोर बना दिया जाए जायज है, दो फ्लोर बना दिया जाए जायज है, तीसरा फ्लोर बना दिया जाए जायज है। रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरमी अला राहिलती यौम النهر, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने हज में रमिये जमार कर रहे हैं अपनी ऊंटनी के ऊपर, अला राहिलती यौम النهر, यौम النهر। तो अहले हदीस उलमा ये उम्मत की रूह है, उम्मत की जान है, और जब तक एक अहले हदीस जिंदा है तब तक कयामत नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ला तजालो बराबर रहेंगे, ये बात फिट होती है सिर्फ अहले हदीस पर। दूसरे ताइफतुन, एक गिरोह होगा इन्हीं पर फिट होता है। अलल हक, हक कुरान हदीस इसको फॉलो कर रहे हैं। मंसूरीन, दलाइल के एतबार से भी गालिब, उम्मत को परेशानियों से निकाल दे। और मुनाजरा हो तो मुखालिफ का नाटका बंद कर दे। दलाइल के एतबार से भी मंसूर, और एक गली में कोई अहले हदीस हो चंद दिनों के अंदर देखा जाता है कि पूरी जमात बन गई है, ये मंसूर नहीं तो और क्या, ये किसी और जमात के ऊपर फिट होता ही नहीं है। ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम, मुखालफत बराबर होती रहेगी। क्या क्या नहीं किया गया है अंग्रेजों के जमाने में, तो इनके साथ वो कुछ किया गया है कि जिस पर इंसानियत शर्मसार हो जाए, और किया है अपनों ने। पहले तो मुकल्लदीन ने अपनी जेर इंतजाम मसाजिद में से इनको बाहर निकाल दिया, इस वजह से कि ये रफुल यदैन करते थे, इस वजह से कि ये जोर से आमीन कहते थे, इस वजह से कि ये सीने पर हाथ बांधते थे। इन्होंने अहले हदीसों को अपनी मस्जिदों से निकाल दिया। उसके बाद इनको मालूम हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनमें पेश पेश अहले हदीस हैं। इन्होंने वहाबी का लकब दे करके इनको बदनाम करना शुरू किया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये वहाबी लोग हैं। वहाबियों से मुराद कौन? अहले हदीस। लिहाजा जो रफूल यदैन करते हुए देखा जाता, जोर से आमीन कहता हुआ सुना जाता, सीने पर हाथ बांधे हुए देखा जाता, इसको फौरन उठा लिया जाता। हजारों लाखों अहले हदीसों के मकानात के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए, उनकी जायदादें जब्त कर ली गई, तख्ते दार पर उनको लटका दिया गया, उनकी मुश्कें कस करके गरम गरम
लोहों से उनको दाग दिया गया, बहुत सारे लोगों को काले पानी की सजा हुई। मौलाना अहमदुल्ला सादिक पूरी रहमतुल्ला अलैह मदफून है इंदमान, जज़ीरा इंदमान के अंदर मदफून है, अहले हदीस आलिम है मौलाना अहमदुल्ला सादिक पूरी। ये विलायत अली सादिक पूरी कौन है? अहले हदीस हैं। इनायत अली कौन है? सादिक पूरी अहले हदीस हैं। मौलाना जाफर थानेसरी, ये सब कौन है? ये सब मुजाहिदीन आजादी हैं और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में, और इनको हिंदुस्तान से, इस सरजमीन से उनके नापाक कदम को उखाड़ने के लिए पेश पेश रहे, और सरहदी इलाकों में जबरदस्त सरगर्म अमल थे, पूरी हुकूमत की नाक में दम हो गया था अंग्रेजों की, इस कदर ये लोग सरगर्म अमल थे, लिहाजा इनको वहां भी कहकर के बदनाम किया गया। जहां इनको रफुल यदैन करते हुए देखा जाता, पकड़ लिया जाता, जायदादें कुर्क करा ली जाती। और अंग्रेजी मुअर्रिख बर्क ने, जिसका तर्जमा हुसामुद्दीन साहब ने तस्वीर का दूसरा रुख इस नाम से किया है, आप देखेंगे ऐसे रूह फरसा मजालिम अहले हदीसों के ऊपर ढाए गए कि तारीख के औराक, ऐसा लगता है जैसे रो रहे हूं। उसने लिखा कि 150 वहाबियों को खड़ा करके जब उनको गोली मार करके हलाक कर दिया गया, तो एक बूढ़ा अंग्रेज सिपाही गश खाकर गिर पड़ा। 44 वहाबियों को पकड़ करके लाहौर लाया गया और तोप की नाल में बांध करके तोप से इनको उड़ा दिया गया। मैं पूछता हूं कि अगर फितना परवरी से कुछ वक्त बचता हो तो हिंदुस्तान की तारीख आजादी के ऊपर नजर डाल लो कि अहले हदीसों ने कितना खून बहाया है इस देश के लिए और अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए। ये सब कुछ उनके साथ किया जा रहा था। मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह एक अहले हदीस आलिम, उन्होंने देखा कि इस तरीके से अगर पकड़ धकल जारी रही तो कोई भी अहले हदीस हिंदुस्तान में जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने आवाज बुलंद की और हुकूमत के पास यह दरखास्त भेजी कि हमें वहाबी कहकर के बदनाम किया जाता है, लिहाजा हमारा नाम वहाबी के लकब से न जिक्र किया जाए, बल्कि हमको हमारे पहले नाम से मुखातब किया जाए, और वो अहलुल हदीस है। यारों ने प्रोपेगंडा किया कि अहले हदीसों के आलिम मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों से ये नया नाम लिया अहलुल हदीस, लिहाजा ये अंग्रेजों की औलाद है। जवाब उसका यह है कि अंग्रेजों के, अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों के मदालिम से तंग आकर के मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने लकब अहलुल हदीस बनवाया नहीं, सरकारी हुकूमत से मनवाया, बनवाया नहीं मनवाया, ये याद रहे, बनवाया नहीं मनवाया। मतलब ये नहीं था दरखास्त का के हमें ये वहाबी लफ्ज पसंद नहीं है, लिहाजा वहाबी लफ्ज छोड़ करके कोई दूसरा नाम अहलुल हदीस अलॉटमेंट कर दिया जाए, बल्कि 1886 के अंदर जो दरखास्त गई है मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी की, ये दरखास्त है जो इस बात का सबूत है कि दरखास्त देने वाले अपने आप को पहले से अहलुल हदीस कहते थे और इनको पहले ही से अहलुल हदीस पुकारा जाता था। लिहाजा ये कहना कि इन्होंने ये नाम खैरात में अंग्रेजों से लिया है, यह दरहकीकत तारीख के साथ नाइंसाफी है और तारीख के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हमारा पहले से नाम अहलुल हदीस है। यह सवाल किया जाता है कि अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन हैं, आप लोग उससे मुराद नहीं हैं। जवाब उसका यह है कि मुहद्दिस एक टर्म है, एक इस्तेलाह है, जिसका मतलब होता है आलिम बिल हदीस। अहलुल हदीस का मतलब होता है हदीस वाले, तो मुहद्दिस जो टर्म है उसका मतलब तो है आलिम बिल हदीस, इसका जानने वाला।
लेकिन अहलुल हदीस के अंदर आलिम बिल हदीस और आमिल बिल हदीस दोनों दाखिल हैं। इसका मतलब है कि मुहद्दिस और अहलुल हदीस के दरमियान मंतिक की नसब अरबा में से एक निस्बत उमूम खुसूस मुतलक है कि हर मुहद्दिस अहलुल हदीस है मगर हर अहलुल हदीस मुहद्दिस नहीं है। मुहद्दिस जो टर्म है उसका मतलब है आलिम बिल हदीस, और अहलुल हदीस का मतलब होता है आलिम बिल हदीस और आमिल बिल हदीस, हदीस का जानने वाला भी और हदीस के ऊपर अमल करने वाला भी। ये मैं नहीं कह रहा, हजरत इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मजमूओ फतावा के अंदर उनका एक कौल नकल किया गया है, वो कहते हैं वनहनु ला नानी बिअहलिल हदीसी अल मुक्तसरीन अला समाईही औ किताबतही औ रिवायतही बल नानी बिहिम कुल्ल मन काना अहक बिहिफ्ज़िही व मारिफती व फहमही ज़ाहिरन व बातिनन व इत्तिबाईही बातिनन। फतावा शेखुल इस्लाम के अंदर ये इबारत मौजूद है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम अहलुल हदीस से मुराद सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं लेते जो हदीस को सुनते हैं, हदीस की रिवायत करते हैं, हदीस को लिखते हैं, बल्कि अहलुल हदीस से मुराद हम उन तमाम लोगों को लेते हैं जो हदीस को याद करते हैं, हदीस को जानते हैं, हदीस को पहचानते हैं, हदीस की इत्तेबा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हदीस का मुत्तबे भी अहलुल हदीस है और हदीस का इल्म रखने वाला भी अहलुल हदीस है, लिहाजा मुहद्दिस और अहलुल हदीस के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। दूसरे ये कि चलो मान लेते हैं हम कि अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन ही हैं, लेकिन जान लीजिए कि हम लोग उन्हीं मुहद्दिसीन की, जिनको कह रहे हैं कि मुहद्दिसीन ही को अहलुल हदीस कहा जाता है और अहलुल हदीस जब बोला जाता है तो मुहद्दिसीन ही मुराद होते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं कि अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन ही हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को अहलुल हदीस इस वजह से कहते हैं कि हम मुहद्दिसीन ही के मनहज के पैरोकार हैं और हम हदीस को उसी तरीके से समझते हैं, हदीस की इत्तेबा उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से मुहद्दिसीन करते हैं, तो हम इस मामले में मुहद्दिसीन ही के मनहज के पैरोकार हैं। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत एक ही चीज के बारे में दो नहीं हो सकती कि मुहद्दिस के बारे में अलग सुन्नत हो और मुहद्दिसीन के मनहज पर चलने वालों के लिए अलग सुन्नत हो, इसलिए कि यह बात कुरान हकीम से साबित है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया वस्साबिकून अलअव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अंसार में के और मुहाजिरीन में के जो साबिकून अल अव्वलून है वो और फिर इनकी इत्तबा करने वाले इखलास के साथ, दोनों के लिए हुक्म लगाया गया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि असल और उनकी इत्तबा करने वाले दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा। इसका मतलब यह हुआ कि असल और उसके ताबे दोनों के लिए अल्लाह की सुन्नत यह है कि एक ही हुक्म दोनों के ऊपर लगाया जाए। लिहाजा आपके कहने के मुताबिक अहलुल हदीस से मुराद अगर मुहद्दिसीन ही है चलो मान लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को अहलुल हदीस इस वजह से कहते हैं कि हम मुहद्दिसीन ही के मनहज के पैरोकार हैं, लिहाजा उनके लिए अल्लाह की जो सुन्नत है हम चूंकि इत्तबा करते हैं, हमारे लिए भी कुरान हकीम की इस आयत की रूह से वही सुन्नत जारी होगी जो मुहद्दिसीन के लिए है, इसलिए कि अल्लाह की सुन्नत इस बारे में दो नहीं हो सकती, एक ही है। और वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को पेश नजर रखें तो बात और वाज़े हो जाती है। हदीस इस तरह वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम रवाहु मुस्लिम फी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब के अंदर लाए, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबाराक व तआला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है। तो उस आयत करीमा की रोशनी में और इस हदीस
रसूल की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि असल और मुत्तबे दोनों का हुक्म एक ही होता है, लिहाजा इस एतबार से हमारा अपने आप को अहलुल हदीस कहना बिल्कुल सही है। अच्छा एक नुक्ता बता रहा हूं, अगर सांस रोक करके सुनो समझ में आ जाए तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सवाल कायम करता हूं कि अहले हदीस फिरका कब बना? सवाल समझ में आया? अरे भाई चुप रहो, बोलो क्या, ये सुनने के लिए आए हैं कि अहले हदीस फिरका कब बना? ये मेरी तरफ से सवाल, वो लोग भी करते हैं। जवाब ये है, सवाल अहले हदीस फिरका कब बना? जवाब, फिरका तब बनता है जब अपनी असल से जुदा हो। अहलुल हदीस तो अपनी असल से कभी जुदा ही नहीं हुए, जब से हदीस है तब से वो। फिरका जब बनता है जब कोई अपनी असल से जुदा हो जाए। यहीं पर वो नुक्ता हल हुआ कि हजरत उस्मान गनी ने ये दूसरी अजान क्यों जारी की? बिदात है तो हर बिदात गुमराही है, तो गोया कि हजरत उस्मान गनी बिदात के मुर्तकिब हुए। बिदात नहीं है, अजान का मकसद था लोगों को नमाज के लिए बुलाना। आबादी ज्यादा हो गई, कसरन नास ये इल्लत है, कसरत तादाद इल्लत है। इल्लत पाई गई तो अजान को मकामे जोरा में दिलाया। बिदात क्यों नहीं हुई? इसलिए कि ये फरा अपनी असल से जुदा ही नहीं है। नहीं समझ में आया? ये नुक्ता समझ में आ जाए तो बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं। फिरका जब बनता है जब अपनी असल से जुदा हो। अच्छा एक सवाल और कायम करता हूं कि जब अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया तो तुम अहलुल हदीस अपना नाम क्यों रखते हो? जवाब उसका यह है कि यह अहलुल हदीस जो नाम है यह वस्फी है, मुस्लिम जाती है, और वस्फी नाम रखना जायज, ये तो हदीस से साबित कर रहा हूं और अकली तौर पर भी साबित करूंगा। पहले ये साबित करूंगा कि वस्फी नाम रखना जायज है। दलील, दलील ये हदीस से पाक। वानी जोहरी समिया मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतईम रजी अल्लाह तआला अन्हु अन अबीहि قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحى به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه مسلم في كتاب الفضائل। حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب الفضائل کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ذاتی نام ایک मोहम्मद एक अहमद है और मेरे कई वस्फी नाम हैं, एक हाशिर है, एक आकिब है, एक माही है, एक रहीम है वगैरह वगैरह। और एक नुक्ता याद रखो कि किसी जात के मुताद्दद सिफात उसकी अजमत पर दलील होते हैं। नहीं, कुरान हकीम का मुताला करने वाला तालिबे इल्म जानता है कि कयामत के बेशुमार नाम हैं। यौमुत्तगाबुन, अलवाकया, अलहाका, अलकारिया, 500 के करीब इसके नाम। एक नाम यौमुत तगाबुन, हार जीत का दिन, 400 से ज्यादा है, जैसा कि हजरत फरमा रहे यौमुत तगाबुन उसी में से है। यौमुत तगाबुन हार जीत का दिन, हार जीत का दिन। उस दिन जन्नती जीत जाएंगे, काफिर हार जाएंगे, इस वजह से इस दिन का नाम यौमुत तगाबुन पड़ा, हार जीत का दिन। और कैसी हार, यहां तो क्रिकेट वाले हार जाते फिर जीत जाते हैं, वहां कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक दफा जो जीत गया हमेशा के लिए जीत गया, जो हार गया सो हमेशा के लिए हार गया, कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। जो हार गया वो हमेशा के लिए हार गया, जो जीत गया वो हमेशा के लिए जीत गया। लिहाजा असल कामयाबी दर हकीकत आखिरत की कामयाबी, वहां जो कामयाब हो गया दर हकीकत हकीकी कामरानी, हकीकी कामयाबी उसी को मिली। किसी चीज के मुताद्दिद नाम, मुताद्दिद अस्मा, उसकी मुताद्दिद सिफात उस चीज की, उस जात की अजमत की दलील होते हैं। जैसे कयामत एक अमरे अजीम है, इसी वजह से 400 से ज्यादा उसके नाम है। और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है कि किसी चीज के मुताद्दिद नाम और किसी चीज की मुताद्दिद सिफात उसकी अजमत शान के ऊपर दलील होती है,
अरबों के यहां, अहले अरब के यहां तलवार की बड़ी अजमत थी, बड़ी अहमियत थी, लिहाजा उन्होंने सिर्फ तलवार के लिए 500 अल्फाज जमा किए। 500 वर्ड है तलवार के लिए, तलवार के लिए कितने वर्ड है? 500 अल्फाज है सिर्फ तलवार के लिए। इतनी रिच लैंग्वेज है ये अरबी, तलवार के लिए सिर्फ 500 वर्ड है, 500 अल्फाज है, इतनी रिच लैंग्वेज है। गोया कि तलवार उनके लिए बहुत अहम थी, लिहाजा उसके नाम बहुत ज्यादा। इसी वजह से अहलुल हदीस, कभी अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, कभी अस्हाबुल हदीस कहते हैं, और कभी सलफी कहते हैं, और कभी मोहम्मदी कहते हैं। ये बहुत सारे नाम मुतअद्दिद सिफात दर हकीकत अहलुल हदीस की जात, जाते मुस्लिम के अजमत के ऊपर दलील है। इस वजह से इन्होंने कई नाम रख लिए। अच्छा, मुस्लिम नाम अल्लाह ने रख दिया तो आपने वस्फी नाम क्यों रखा? इसलिए कि हदीस से साबित है वस्फी नाम रखना, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम बताए गए और उसके बाद आपने अपने वस्फी नाम बताए, तो वस्फी नाम रखना जायज हुआ। अब मंतकी दलील, मंतकी दलील ये कि अगर जात, जाती नाम कोई है और अगर वस्फी नाम रखा जाए तो ये जो वस्फी नाम है ये जाती नाम का मुअर्रिफ हो, मुकस्सिम ना हो। लफ्ज याद रखा जाए, जाती नाम का मुअर्रिफ हो, मुकस्सिम ना हो, तारीफ करने वाला हो, वजाहत करने वाला हो, और उसकी वजाहत करने वाला हो, तकसीम करने वाला ना हो। अब बताइए, इस्लाम इज इक्वल टू अहलुल हदीस, दुरुस्त है कि नहीं? इसलिए कि इस्लाम नाम है कुरान और हदीस का, कुरान और हदीस से जो कुछ बाहर वो इस्लाम है ही नहीं, लिहाजा इस्लाम इज इक्वल टू अहलुल हदीस, और इस्लाम इज इक्वल टू अहलुल हदीस, और मुस्लिम इज इक्वल टू अहलुल हदीस। तो अहलुल हदीस जो नाम है जाती नाम का मुअर्रिफ है, मुमय्यिज़ है, मुकस्सिम नहीं है। अगर हनफी और शाफी रख दिया जाए तो ये मुकस्सिम है, लिहाजा अहलुल हदीस रखना दुरुस्त है, और किसी शख्सियत की तरफ इंतसाब करके नाम रखना दुरुस्त नहीं, इसलिए कि वो मुकस्सिम है, तकसीम करने वाला है, मुअर्रिफ और मुमय्यिज़ नहीं है। क्या ये नाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में भी था? जी हां था। दलील, दलील ये असर, व अनिशेबी कॉल करिहल अव करिहल करिह الصالحون الاولون الاكثار من الحديث ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما اجمع ما حدثت الا بما اجمع عليه اهل الحديث تذكرة الحفاظ قال الحاكم في ترجمه الشيبي امام عامر شيبي کے ترجمے میں یہ نقل ہے اور تذکرۃ الحفاظ میں قول موجود ہے حضرت شیبی فرما رہے کہ پہلے کے نیک لوگ زیادہ حدیث بیان کرنے سے जरा बचते थे, और वो बात जो मुझे बाद में मालूम हुई, अगर पहले मालूम हो गई होती तो मैं वही हदीस बयान करता जिस पर तमाम अहलुल हदीस का इजमा था। और ये शेबी कौन है? ऊपर किसी का इजमा, इतने लोगों की तादाद हैरत अंगेज है। जी चाहता है कि इस पर भी एक हदीस आपके सामने मैं पेश कर दूं, हदीस हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल खैरुन नास करनी ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد رواه البخاري في كتاب الشهادات حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب الشهادات کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جب تک آپ حیات ہیں अब आपके जमाने के बाद कौन सा जमाना बचता है? साहबे किराम का। और साहबे किराम का जमाना उसके बाद ताबेईन का जमाना। ये तीन जमाने खैरुन नास करनी, ये मेरा जमाना, सुम्मल्लदीन एलूनम, फिर जमाने से जो लोग मुंसलिक साहबा, सुम्मल्लदीन एलूनम, फिर मेरे साहबा से जो मुंसलिक है। इसका मतलब दौरे नबवी, दौरे साहबा, दौरे ताबेईन, और दौरे साहबा के अंदर ये लफ्ज मौजूद था। इसका मतलब साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन लफ्ज़े अहलुल हदीस से अच्छी तरह वाकिफ थे। अब आखिरी बात रह गई, क्या ये नाम रखना जरूरी है? जी हां, जरूरी है, जरूरी है। क्यों? दलील उसकी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या ये होता था कि ये हदीस सही है या हदीस ज़ईफ़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कह रहे, कोई हदीस बयान कर रहे, तो उसका
मतलब ये था कि जो कुछ आप बयान कर रहे हैं वो सब सही है। आप ये थोड़ी कहते थे कि ये बयान कर रहा हूं ये हदीस सही है हदीस ज़ईफ है। और सहाबे किराम भी ये नहीं कहते थे कि ये हदीस सही है हदीस ज़ईफ है। अच्छा, बाद में जब सही हदीसों के अंदर ज़ईफ हदीस घुस गई तो फुकहा ने मुहद्दिसीन ने कहना शुरू कर दिया कि यह हदीस सही है हदीस ज़ईफ है, ताकि मालूम हो जाए कि सही हदीस क्या है ज़ईफ हदीस क्या है, ताकि लोग ज़ईफ हदीसों को छोड़ करके जो इंसानों ने गढ़ ली थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर आ जाएं। तो आज पहले मुसलमानों के मुकाबले में सिर्फ काफिर थे तो और नाम रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे चल करके जब बिदातें फैली तो मुस्लिम के साथ साथ अहलुस्सुन्ना नाम रखा गया बिदातियों के खिलाफ, और सुन्नत का पता चूंकि हदीस से चलता था लिहाजा अहलुल हदीस उन्होंने नाम रखा, इसलिए कि अहलुस्सुन्ना हो ही नहीं सकता कोई जब तक कि अहलुल हदीस ना हो, इसलिए कि सुन्नतों का पता हदीस ही से चलता, कोई सुन्नत ढूंढनी हो तो आप कहाँ ढूंढेंगे, हदीस ही के अंदर तो ढूंढेंगे। इसका मतलब अगर किसी ने कह दिया अहलुल हदीस तो अहलुल कुरान भी हो गया, अहलुस्सुन्ना भी हो गया, मोहम्मदी भी हो गया, सलफी भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये लफ्ज अहलुल हदीस बहुत जामे है, ये दर हकीकत मुमय्यिज है दीगर तमाम उन फिरकों के मुकाबले में जो अपनी ख्वाहिशात और अपनी अहवा अपने आरा अपने ख्यालात फासिदा और अपनी अफकार कासिदा के ऊपर कायम है, उनसे तमीज देने के लिए यह नाम रखना जरूरी हो गया है। जैसे कि मुहद्दिसीन के ऊपर यह जरूरी था कि बताएं कि यह हदीस सही है यह हदीस ज़ईफ है, ताकि लोग सही और ज़ईफ के दरमियान फर्क करके तमीज करके हदीस से सही के ऊपर अमल करें, ऐसे ही जरूरी है कि लोग ये नाम रखें। आज लोग कहते हैं कि ये नाम दर हकीकत एक फिरका है। बहुत गौर से सुनो, लेकर जाओ आज यहां से लेकर क्या जाओगे, ये आखिरी बात। एक साहब ने कहा कि चार ही तो फिरके हैं, ये पांचवा कहां से आया। मैंने कहा कि चार फिरके कौन से, बोले कि एक समुंदर है। बोले हां समुंदर है, उससे चार नहरें निकली तो पानी तो वही है, पानी तो वही है, एक समुंदर है चार नहरें निकली, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नहर, इमाम शाफई की नहर, इमाम मालिक की नहर, इमाम अहमद, चार नहरें निकली, ये पांचवा कहां से आया। मैंने कहा पांचवा ही समुंदर है। पांचवा कहां से आया, चार नहरें निकली पांचवा कहां से आया है। मैंने कहा समुंदर ही तो है, वही असल है, वही अली रजी से। अच्छा ये चारों तो वही पानी है। बोले पानी तो सही था। मैंने कहा लेकिन आगे चल के बारिशें हुई और बड़ी गंदगियां आ गई सब उसके अंदर। अब अगर सही पानी और साफ शफाफ पानी पीना तो समंदर की तरफ रुजू करना जरूरी है। अब वो आयत करीमा पढ़ लो तकरीर का इख्तिताम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह। अगर पानी गदला हो जाए तो गदले पानी को छोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट कुएं की तरफ असल की तरफ रुजू किया जाता है, वही मतलब है। फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।